हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइब्रेरी चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और आज की जो वीडियो है वो बड़े ही खूबसूरत फूलों पर है जो मैंने शॉपिंग की है मार्च की फर्स्ट वीक में, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आइए मेरे साथ लास्ट तक बने रहे। और ये देखिए, ये गोडेशिया है, ये जो पिंक कलर का और ये वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, ये कितना सुंदर है। ये कई सारे कलर रंगों में आते हैं, चार कलर मैं भी लाई हूँ। एक ये वाला कलर लाई हूँ और एक ये मजेंटा और वाइट का कॉम्बिनेशन है, और एक ये है और एक एकदम वाइट है, प्योर वाइट, ये भी बहुत सुंदर है। और एक ये अनियन कलर है, पर्पल और अनियन, इस पर भी फ्लावरिंग है और काफ़ी सारी बर्ड्स भी बनी हुई हैं इस पर। और फ्लावर भी देखो कैसे आ रहे हैं, कितने सुंदर आ रहे हैं। अगर आप खरीदना चाहते हो समर के प्लांट तो इसको भी ज़रूर खरीदें, ये भी बहुत सुंदर फ्लावर लगते हैं इसके, ये देखो। और भी मैंने कई सारे लिए हैं। और ये पेंटास का है, मेरे पास नहीं था तो मैंने इसको ख़रीदा है। ये देखो ये कितना सुंदर है, ये भी डार्क पिंक है, ये भी मजेंटा कलर का, और ये तो परमानेंट होता है, इसको आप ले सकते हैं। और एक ये है लाइट पिंक, ये बेबी पिंक जो होता है, ये भी बहुत प्यारा फ्लावर है इसमें, इसको भी आप ले सकते हैं। और मैंने और भी ख़रीदे हैं, ये देखो ये कार्नेशन का, ये भी परमानेंट होता है, अगर हम बरसात से गर्मी से बचा दें तो ये भी हमारे 12 महीने इस पर फूल, अभी गर्मियों में तो बने रहेंगे, विंटर और समर इस पर फूल बने रहते हैं। ये देखो एक ये पिंक और मैरून कलर का ये कॉम्बिनेशन है, डबल शेड का, ये ख़रीदा है। और एक मैंने ये वाइट कलर का ख़रीदा है, ये देखो ये भी कितना प्यारा लग रहा है, खूबसूरत। और ये वाला मेरे पास पहले से ही था, और ये मैंने दो अभी ख़रीदे हैं कार्नेशन की, ये भी बहुत प्यारे फूल लगते हैं, ये भी आप खरीद सकते हैं। और मैंने एक जेरेनियम का ख़रीदा है, ये देखो ये भी, ये कलर मेरे पास पहले नहीं था जेरेनियम का, तो ये कलर मुझे बहुत ही सुंदर लगा। ये कितना बंच जैसे फूल है, चारों तरफ से खूब सारे थे, इसमें बीच में भी काफ़ी सारे थे, मैंने इसकी ये फूल जो है ये सूख गए थे तो मैंने इनको सबको निकाल दिया, और फिर भी इस पर कितने सारे हैं, और अभी भी इस पर बंच बन रहे हैं, बड बन रही है, और ये भी परमानेंट होता है, इस प्लांट को भी ले सकते हैं। एक मैंने ये हिबिस्कस का बाई किया है, ये देखो ये वो जो होता है हाइब्रिड, वो वाला हिबिस्कस है, कितना प्यारा फूल है इसका। और ये बेबी पिंक है, जैसे डार्क पिंक है, बेबी पिंक भी नहीं कह सकते, बहुत ही सुंदर कलर है ये, देखने में रियल में अगर हम देख रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत फूल है। और इस पर इतनी सारी बर्ड्स भी आई हुई हैं, और इस पर दो तीन फूल, एक फूल रोज़ ही आ रहा है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो ये बढ़ते चले जाएंगे। इसको भी बाय किया है, और बहुत सारे प्लांट मैंने बाय किए, वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। और एक मैंने ये रेनन्कुलस ख़रीदा था, ये फ्लावर प्लांट, और इस पर भी देखो कितना सुंदर फ्लावर है, और डार्क पिंक और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, और इसमें देखो ये अलग कलर का है, ये वाइट का और ग्रीन टाइप में है, तो ये कितना सुंदर लग रहा है। और ये जो फर्स्ट फूल आता है पहला वाला, तो कितना बड़ा आता है, और फिर जो और दूसरी बर्ड्स होती है वो थोड़े छोटे रहते हैं, लेकिन हाँ खूबसूरत लगते हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं खूब। और मेरे पास पहले भी कई सारे हैं, एक देखिए मैंने ये फ्रेश प्लांट ख़रीदा है, और येलो कलर का, ये शेडेड है वाइट का और येलो का, और कितना खूबसूरत फ्लावर है इस पर। और ये बल्ब से लगाया जाता है अक्टूबर में, ये देखो कितना सारा, और अब इस पर देखो ये सूखने भी लगे, काफ़ी सारे फूल आते हैं इस पर बंचों में, तो ये जब सूख जाते हैं फ्लावर, इनको निकाल दें तो ये नई नई जो बंच है और ये जो बर्ड्स हैं इन पे जल्दी फ्लावर आ जाएंगे, और काफ़ी सारे आएंगे, और भी बर्ड्स बनेंगे इन पे, और बंच भी नई नई तैयार हो जाती है अगर हम पुराने फ्लावर को निकाल देते हैं। तो मैं इसको निकाल दूंगी इनको, ये देखो ये मुरझाने लगे कितने सारे, इनको निकाल दें, ये देखो सब पुराने हो गए, और वैसे ही कई दिन तक टिक जाते हैं इस पर, कम से कम ये 15-20 दिन तक इस पर लगे रहते हैं, और बहुत ही प्यारे लगते हैं। मैंने दो कलर खरीदे हैं ये, और एक मैंने इंडोर प्लांट ख़रीदा है, ये एग्लोनीमा का जो रेड लिपस्टिक भी बोला जाता है इसको, और इस पर देखो ये बर्ड्स भी बनी हुई है फूल की, ये बहुत ही सुंदर लगती है बर्ड्स, ऐसे जैसे मक्की का वो जो भुट्टा है वो खिलता है इस तरह से लगता है,
तो इसका जब खिलेगा मैं आपको फिर शेयर करूँगी। और मेरे गार्डन पे एक ये जरबेरे का भी खिला है, ये पहले इन पे फ्लावरिंग रुक गई थी लेकिन मैंने कुछ ऐसा वर्क किया है जो इस पे फ्लावरिंग जो है दोबारा से आने लगी, तो कितना खूबसूरत खिला है। एक मैंने ये पिटोनिया का ये डबल पेटल का ख़रीदा था, तो ये आजकल अगर ख़रीदना है पिटोनिया का तो डबल पेटल का ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ये अभी मार्च में ही ज़्यादा खिलते हैं, ये मार्च में शुरू हो जाते हैं, अप्रैल मई तक ये फूल खिलते रहते हैं, इनको ख़रीद सकते हैं। और सिंगल पेटल के तो पूरे विंटर में खिलते रहते हैं, वो अभी धीरे धीरे होके जितनी गर्मी पड़ेगी वो बंद हो जाएंगे और ये खिलते रहेंगे। आगे भी खूबसूरत फूल देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।